Hello everyone, welcome to Your Own Gardening Channel. In today's video, I'm going to tell you how we can grow plant and care for Celusia flower. Celusia is a small flowering plant and it is used as edible and ornamental flower. And it is native to Africa and North and South America. Scientifically, it is known as Celusia, and commonly and in higher classification, it is known as wool flower and Celusia flower, rooster's comb and cock's comb, bees ko bolte hain, and it belongs to the family of Amaranthaceae. If they are growing in very suitable environment, they can grow up to 6 to 12 inches in height, or in ki jo different species and different kinds jo hain wo insect tolerant jo hain wo bhi grow kar sakti hain, like 3 feet tak wo tall ho sakti hain. वेरी वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सेस जो है उनमें ये ग्रो करना लाइक करते हैं. फुली सन लवर प्लांट है. स्लाइटली पार्शियल शेड्स जो हैं उनमें भी ये हेल्दी ग्रो कर जाते हैं. इसके अलावा आप इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं फ्रॉम देयर सीड्स, और स्टेम कटिंग से भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं. और पेस्ट वगैरह जो है इनके ऊपर अटैक करते हैं, उनमें स्पाइडर माइट्स हैं, इनके ऊपर स्केल इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक कर सकते हैं, और इसके अलावा इनके ऊपर जो माले बग्स हैं वो अटैक कर सकते हैं. तो आप सिंपली, जैसा कि मैं अपने वीडियोस में आप लोगों से शेयर करता हूँ, कि आप लिक्विड डिटर्जेंट और नीम ऑयल जो है उसके मिक्सचर का स्प्रे करें तो वो रिमूव हो जाते हैं. और इसके अलावा आप अगर इनको फर्टिलाइज़ जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप इनको जो कोई से भी लिक्विड हाउस होल्ड जो फर्टिलाइज़र है जो स्लाइटली नाइट्रोजन में रिच हो, वो आप इनको प्रोवाइड कर सकते हैं. देयर ग्रोइंग सीजन्स, तो ये हेल्दी ग्रो कर सकते हैं. आप इनको सिंपली जो है काउडंग जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ये 3 डिफरेंट काइंड्स जो हैं, 3 डिफरेंट वराइटीज़ जो हैं वो जो मैं नर्सरी से परचेस करके लेकर आया हूँ, इनको आज मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ. ये फ्लावर्स जो हैं ब्लूमिंग पे हैं, अपने फ्लावर्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो अभी मैं आप लोगों को ये प्लांट्स जो हैं वो विज़िट करवाता हूँ, और इसके अलावा इनमें से कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए रिपोर्ट करूँगा, और आप लोगों से शेयर करूँगा कि कौन सा सॉइल मिक्स जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इनको रीग्रो करने के लिए. और बाकी की चीज़ें जो हैं साथ साथ डिस्कस करते हैं. अभी मैं आप लोगों के इस प्लांट्स जो हैं इनकी विज़िट करवाता हूँ. सो लेट्स गो. जी व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे सलुशिया के प्लांट्स हैं. 3 डिफरेंट वराइटीज़ हैं ये. यहाँ पे जो आप फ्लावर विज़िट कर रहे हैं ये सलुशिया स्पिकेटा है, और यहाँ पे सलुशिया प्लूमोसा है, और यहाँ पे सलुशिया क्रिस्टेटा जो है वो आप विज़िट कर रहे हैं. तो ये 3 डिफरेंट वराइटीज़ जो हैं इनको आज मैं रीप्लांट करने जा रहा हूँ, रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, रीग्रो करने जा रहा हूँ. और आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं ये. और जब ये आपके गार्डन में एक बंच की शेप में ग्रो कर रहे हो, तो ये कितने ब्यूटीफुल जो हैं वो आपका एरिया जो है क्रिएट कर सकते हैं. और यहाँ पे भी येलो क्रिस्टेट है, इनको मैंने रिपोर्ट किया हुआ है. और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हेल्दी ग्रो कर रहे हैं. और आज यहाँ पे जो बाकी के प्लांट्स हैं इनको मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ, और अभी अपने वर्क स्टेशन पर चलते हैं, और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कौन सा सॉइल मिक्स जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ इनको रीग्रो करने के लिए. सो लेट्स गेट डर्टी. जी व्यूअर्स, वी आर एट अवर वर्क स्टेशन नाउ, और यहाँ पे अपने सलुशिया के प्लांट्स जो हैं इनको रिपोर्ट करने के लिए जो सॉइल मिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों से शेयर करता जाऊँ. यहाँ पे मेरे पास वेल ड्रेन्ड सैंडिलोमी सॉइल मिक्स है, और इसमें मैं लिटिल अमाउंट जो है वो मिच्योर्ड काउडंग जो है वो ऐड कर रहा हूँ फॉर द बेटर न्यूट्रिशन. और इस मिक्सचर को मैंने फिल किया है इस कंटेनर के अंदर, प्लास्टिक कंटेनर के अंदर. इसके अंदर जो है ये 3 डिफरेंट कलर्स जो हैं ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, और कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैं गार्डन ग्राउंड जो है उसके अंदर गार्डन में जो है सेपरेटली प्लेस करूँगा, और कुछ प्लांट्स जो हैं वो मैं इस कंटेनर के अंदर प्लांट कर रहा हूँ, और कुछ प्लांट्स जो हैं वो इस तरह के स्मॉलर कंटेनर्स जो हैं उनके अंदर मैं रिपोर्ट करूँगा. तो अभी चलते हैं और अपने प्लांट्स जो उनको रिपोर्ट करते हैं. सो लेट्स डू इट.
जी व्यूवर्स, हमारे स्लूशिया के फ्लावर्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं जैसे कि आप विज़िट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक टिप है कि जब आप प्लांट्स जो हैं जब वो फ्लावर्स के ऊपर हों, अपने ब्लूमिंग्स जो हैं वो कर रहे हों, तो आप जब उनको रिपोर्ट करें तो उसके लिए एक बेस्ट टिप ये है कि आप उसका जो फ्लावर है उसको ब्रेक कर दें ताकि वो नई शूट्स जो हैं वो डेवलप कर सके, नई ब्रांचेस जो हैं वो इमर्ज कर सके और प्लांट जो और बिगर और हेल्दियर जो है वो बुशियर शेप में ग्रो कर सके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सिंपली जिस तरह ये मैंने प्लांट जो है वो रिपोर्ट किया और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट किया और इसका जो अपर पोर्शन है इसका जो फ्लावर है इसको मैं इस तरह ब्रेक कर दूंगा, लेकिन इन फ्यूचर ये हमारे लिए और ज़्यादा ब्लूमिंग जो है वो प्रोड्यूस करेगा। और इसी तरह जब ये प्लांट्स जो हैं और ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं प्रोड्यूस कर लें, अपने ब्लूमिंग्स जो हैं कंप्लीट कर लें, तो आप इनके जो डेड हेड करने के साथ साथ इसकी ब्रांचेस जो हैं और डेवलप कर सकते हैं, अपने प्लांट को और ज़्यादा बुशियर बना सकते हैं। अभी मैं इसकी वाटरिंग कर दूंगा और इसको ब्राइट सनलाइट पर डिस्प्ले कर दूंगा ताकि ये प्लांट जो अपने फ्यूचर्स जो है वो डेवलप कर सकें। और बाकी के प्लांट्स जो हैं अभी मैं आप लोगों को विज़िट करवाता हूँ कि उस गार्डन ग्राउंड में मैं रिपोर्ट करने चाह रहा हूँ। जी व्यूअर्स, और स्लोशिया के जो रिमेनिंग प्लांट्स हैं उनको मैं गार्डन ग्राउंड के इस पोर्शन में डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो ट्रेडर्स कैंटिया जो है उसकी वाइन जो है वो हेल्दी ग्रो कर रही है और इस पोर्शन से इसको मैं शॉर्ट करूँगा। यहाँ पे एक्चुअली जो मेरे विंटर सीजन के फ्लावर्स जो थे वो प्लांट थे और आप देख सकते हैं कि अभी भी पेटूनिया और जो स्नैप ड्रैगन है उसके फ्लावर्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं। यहाँ पे मेरे पास जो हैं एस्टर जो था उसके प्लांट्स हैं वो उसके भी फ्लावर्स जो हैं ऑलमोस्ट एंड हो रहे हैं। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है इसमें मैं अपने स्लोशिया के जो रिमेनिंग प्लांट्स हैं उनको रीग्रो करने जा रहा हूँ, रिपोर्ट करने जा रहा हूँ इस पोर्शन में। और यहाँ से ऑलमोस्ट पेटूनिया और बाकी के जो फ्लावर्स हैं वो डेड हो चुके हुए और इस पोर्शन को भी मैं प्रिपेयर करता हूँ, रेडी करता हूँ और इस पोर्शन में हम अपने जो स्लोशिया के प्लांट्स हैं उनको रिपोर्ट करेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे जो स्लोशिया के प्लांट्स हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, इनकी वाटरिंग की जा चुकी हुई है जैसे कि आप देख रहे हैं। और विद इन अ फ्यू डेज इनके जो फ्लावर्स हैं इनको मैं चॉप कर दूंगा ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो इन्हेंस हो सके और ज़्यादा बुशियर शेप जो है वो अडॉप्ट कर सके। यहाँ पे ये प्लांट्स जो हैं जो मैंने रिपोर्ट किए हैं आप देख सकते हैं कि कितने पॉट्स जो हैं मैंने क्रिएट किए हैं। और इसके अलावा जो गार्डन ग्राउंड के अंदर लगाए हैं और जो कंटेनर के अंदर लगाए हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी व्यूअर्स, और यहाँ पे जो गार्डन ग्राउंड के अंदर जो मैंने प्लांट किए हैं वो फ्लावर्स वो प्लांट्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। इनके भी जो हेड्स हैं इनको मैं चॉप कर दूँगा, बल्कि एक जो है अभी मैं आप लोगों के सामने जो है वो चॉप करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक और कंटेनर के अंदर से
मैंने एक फ्लावर जो था वो आप लोगों के लिए चॉप किया था। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ़्लावर जो है, अगर आप इसको यहाँ से चॉप कर देंगे तो ये और ज़्यादा बुश शेप जो उसमें ग्रो होगा और ज़्यादा ब्लूमिंग्स जो हैं ये प्रोड्यूस करेगा। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे कि आप शार्प सीजर्स जो हैं, स्टरलाइज सीजर्स जो हैं, वो आप जो है वो अपने साथ रखेंगे। और इसके लिए सिंपली जो है आप जैसा ये वाला फ्लावर है इसको आप यहाँ से चॉप कर देंगे। जी व्यूअर्स, आपको स्लोशिया प्लांट की प्लांटेशन और उसकी केयर के रेफरेंस से जो मेरी इन्फॉर्मेशन हैं, मेरा जो वीडियो वो कैसा लगा उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप भी अपने गार्डन में इस ब्यूटी को जो है वो ज़रूर स्पेस दें। और इसकी प्लांटेशन के रेफरेंस से आई थिंक ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर कोई चीज़ मिसिंग हुई तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बावजूद अगर कोई इसकी प्लांटेशन के रेफरेंस से आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कह सकते हैं। आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट, मैं आप लोगों को अप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।